विधर्मियों की साजिशें हुई नाकाम, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में विघ्न डालने की कर रहे थे कोशिशें। बालाजी के भक्त आए सामने और बताई विश्व की सबसे बड़ी कथा की सच्चाई, विरोधी रह गए सैन्य। देखिए संस्कार समाचार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रेखा है, मैं अट्टा से आई हूँ, सेक्टर 18 से, और यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई दिल से, और बाबा जी की कथा देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबको देख के शैलेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था करी उन्होंने। ग्रेटर नोएडा से हैं हम लोग और बाबा जी की कथा सुनने आए हैं, और अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। शैलेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद जो इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, मतलब वैसे तो हम बाबा जी के दर्शन कर ही नहीं सकते थे कि चलो अरेंजमेंट हुआ, तो हम 3 दिन से सुनने आ रहे हैं उनकी कथा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, हम लोग कथा सुनने के लिए आए, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम लोग प्रसाद लेने आए हैं। प्रसाद में सहयोजक जी के वह सुखी देवी, और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है, बहुत जबर आनंद आयो है, और बहुत बढ़िया कथा कही है, सब चौपाई बोली है मानी महाराज जी नो और मैं करी लग लंद पर रखी हूँ। खाना भी बहुत बबली पांडे। आप कहाँ से आई हैं? मैं ग्रेटर नोएडा डेल्टा 1 से आई हूँ, वैसे बिलोंग करती हूँ पटना से। आज जो आपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और भागवत कथा का आनंद लिया, कैसा महसूस हुआ? क्या बहुत अच्छा महसूस हुआ है, बहुत अच्छा, और बहुत मैं खुश हूँ बागेश्वर बाबा का दर्शन करके, एंड प्रसाद पा के भी बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और मैंने ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं देखा, बहुत शालीनता से है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। जो ये जो मेन आयोजक है शैलेंद्र शर्मा, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहेंगे, उनको बहुत बहुत थैंकफुल कि उन्होंने ऐसा आयोजन करवाया जिससे इतनी जनता आके उनका दर्शन कर पा रहे हैं। बागेश्वर बाबा का एक सपना है उनका दर्शन करना, बट वो उन्होंने ऐसा करवाया तभी हम लोग आके यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको दर्शन कर पा रहे हैं। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। मैं यूपी के जिला फिरोजाबाद से भागवत मंडल में आया था, मैंने देखा ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में बहुत अच्छा आयोजन भागवत का किया गया है हमारे बागेश्वर बाबा जी के द्वारा, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मैंने काफ़ी जगह से नदी करके यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था देखी है, और भागवत खत्म होने के बाद तुरंत भंडारा 24 घंटे चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत अच्छा भंडारा, मैंने पहली बार ऐसा भंडारा खाया है, किसी भी प्रकार की किसी भी बंधु को कोई यहाँ असुविधा नहीं हो रही है, सारे लोगों को सारी व्यवस्थाएँ काफ़ी तरीके से मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। ग्रेटर नोएडा के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर जैतपुर वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बागेश्वर बाबा धाम की जय। मेरा नाम वनिका है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, मैं यहाँ बाबा जी के दर्शन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुन रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रही थी। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, तो मतलब बाबा जी के दर्शन तो नहीं हो पाए पर दर्शन कर रहे थे, कथा सुन रहे थे यहाँ पे।